वेलकम टू स्टेपअप आईएएस इन्वेस्टर्स के न्यूज़पेपर डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 31 जनवरी है। आइए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे। ये गिवन कॉन्टैक्ट नंबर है 8750069419। कोचिंग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप इस पर ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली आने का प्लान कर रहे हैं मार्च अप्रैल वगैरह में भी, तब भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अभी समय आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट आर्टिकल से, और फर्स्ट आर्टिकल है मैटर ऑफ हर राइट। न्यूज आपको पता होगी, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट 1971, इस एक्ट को अमेंड किया गया है, ठीक है। और ये जो अमेंडमेंट बिल है उसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020। इस बिल में क्या खास बात है, तो उसी के बारे में इस आर्टिकल में लिखा गया है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है काफी, इस बार के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और उसके बाद मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। यहाँ पर बहुत तरीके के इश्यूज हैं, बहुत तरीके के राइट्स का सवाल होता है, तो उसी पर ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है। ये जो बिल आया गया है, नया बिल है, उसमें टाइमिंग को बढ़ाया गया है। देखिए, जो एक्ट लाया गया था 1971 में, ये हालांकि इन्फोर्स में आया था 1972 में, ठीक है, MTP एक्ट। इसके पहले अबॉर्शन क्रिमिनलाइज था इंडिया में, ठीक है, अबॉर्शन को क्राइम माना जाता था। लेकिन उसके बाद जब 1971 में ये एक्ट लाया गया, MTP एक्ट लाया गया, तो उसमें जो इजाज़त है अबॉर्शन का वो दे दिया गया था 12 वीक से लेकर के 28th वीक तक, ठीक है, मतलब 20 हफ्तों तक ये जो अबॉर्शन का पीरियड है वो हो सकता है। उसमें भी कई सारे चीज़ों को लिखा गया है, अलग से मेंशन्ड है। अगर इसमें अप टू 20 वीक था, अगर 20 वीक हो चुका है फीटस को, तो उसमें अबॉर्शन के केस में जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, दो सीनियर डॉक्टर के होना बहुत ज़रूरी है, तब अगर वो कहती हैं तब ये अबॉर्शन का प्रोसेस कैरी किया जाएगा। और उसमें भी वो तब है जबकि जो वुमन है उनके लाइफ का सवाल हो, तो ये सब प्रावधान वहाँ पर दिया गया है। अब इसको बदला जा रहा है। बदला क्यों जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से ये जो 20 वीक का टाइम था, इसकी वजह से ऑब्वियसली इसके बाद तो अबॉर्शन अलाउड है ही नहीं। मान लीजिए 22 वीक्स हो गए हैं, 23 वीक्स हो गए हैं, और तब अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आता है वुमन को, लेडी को या मदर को, तो वहाँ पर फिर कोई उसके लिए सुनवाई नहीं होती है। मान लीजिए उसके लिए फिर लोग कोर्ट तक जाएंगे, मेडिकल ऑर्डर वगैरह लेकर के कोर्ट तक पहुँचेंगे। कोर्ट का हिसाब किताब आपको पता है, ऐसा कोई यहाँ पर फास्ट सिस्टम नहीं होता है कि ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन की चीज़ें हैं, लाइफ एंड डेथ का सवाल है तो बड़ी जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और वंस अगेन वो फिर क्या होता है, वुमेन की बहुत मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसको अमेंडमेंट करके 20 हफ्तों से 24 हफ्तों तक कर दिया जाएगा। तो इस बिल में क्या बदलाव किया गया है, याद रखिएगा, 20 वीक से 24 वीक कर दिया गया है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के पीरियड को, और ये एप्लीकेबल होगा अनमैरिड वुमेन के लिए भी। देयरफॉर रिलैक्स वन ऑफ द रिग्रेसिव क्लॉज ऑफ द 1971 एक्ट, जो 1971 में एक रिग्रेसिव क्लॉज था उसको रिलैक्स किया गया इस अमेंडमेंट के माध्यम से। सिंगल वुमन कुडंट साइट कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर एज अ रीजन फॉर सीकिंग अबॉर्शन। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो प्राइवेसी है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द पर्सन सीकिंग अबॉर्शन, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा, जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन किया जाएगा। तो इसके बहुत सारे इस पर डिबेट हो सकता है, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अभी आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ स्टडी, कुछ रिपोर्ट्स भी आए हुए हैं, जैसे 2015 में एक स्टडी की गई थी इंडिया जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स के द्वारा, 10-13% ऑफ मेटरनल डेथ इन इंडिया ड्यू टू द अनसेफ अबॉर्शन। अनसेफ अबॉर्शन की वजह से भारत में कई सारे डेथ्स होते हैं, और बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि जो प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो 20 वीक के बाद अराइज होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसीलिए इसके पीरियड को एक्सटेंड किया गया है, 24 वीक तक किया जाएगा। इसको एक सिग्निफिकेंट स्टेप बताया जा रहा है मिनिस्ट्रीज के द्वारा, एंड गिविंग रिप्रोडक्टिव राइट टू वुमन, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और इंश्योर किया गया कि रिप्रोडक्टिव राइट जो है वो वुमन का होगा, महिलाओं का होगा, इस चीज़ पर पूरा
एम्फेसिस किया गया है कि जो अबॉर्शन का के लिए की जो इच्छा है वो महिला की होनी चाहिए, तभी वो चीज़ होगा। एंड इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, ऑब्वियसली ऐसे केसेस में हमेशा क्रिटिसिज्म साथ में होते हैं। जैसे आपको पता है भारत में एक अभियान चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया, अभी आप देखें इंडिया में रेशियो अगर आप देख लें मेल फीमेल का तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे बहुत सारे राज्यों ने अभी इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, उसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल हरियाणा है, जहाँ पर बहुत कम मतलब बहुत ज़्यादा गैप था जो मेल है फीमेल के रेशियो में, लेकिन अब वो गैप कम होने लग गया है, विच इज़ अ गुड पार्ट। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काफ़ी असर देखने को मिला है। तो बेटी बचाओ इसलिए कहना पड़ा क्योंकि जो गर्ल चाइल्ड होती हैं उनको बहुत सारे केसेस में, खैर अब तो बहुत अवेयरनेस हो गया है, लेकिन पहले अबॉर्ट कर दिया जाता था। तो ऐसे जब बिल में अमेंडमेंट हो रहा है, ऐसे ऐसे एक्ट में जब बदलाव लाया जा रहा है, तो उसके साथ एक क्रिटिसिज्म भी जुड़ा हुआ है कि इसका कोई मिसयूज़ ना हो पाए। टू कीप पेस विद एडवांस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी दैट अलाउ फॉर द रिमूवल ऑफ फीटस एट अ रिलेटिवली एडवांस्ड स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी। तो काफ़ी एडवांस स्टेट हो जाएगा, आप समझिए 24th वीक तक अगर ऑप्शंस दिए जा रहे हैं तो वहाँ पर ऑब्वियसली काफ़ी एडवांस स्टेज हो जाएगा। और ऐसे में जो चांसेस हैं, जैसे अगर कई बार डिटर्मिनेशन हो जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन सेंटर पे जाकर के लोग पता लगा लेते हैं कि जो चाइल्ड है वो क्या है, मेल है फीमेल है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर एक्शंस लिए जाते हैं, तो उन चीज़ों को भी यहाँ पर रोकना होगा। उसको कैसे हम काउंटर कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इस आगे एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल इकोनॉमी पर है। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे आज आ चुका है, तो उस पर बहुत सारी बातें कल होने वाली हैं, उसको एक बार आप लोग पढ़ लेंगे और उसको डिस्कस भी किया जाएगा आगे। उसके बाद बजट भी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये जो भी बातें हैं ये इट इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन हाँ अपना कुछ सुझाव रखा है राइटर ने, उसको देख लेते हैं क्या कहा है। तो उन्होंने कहा है, कुछ पॉजिटिव बातें कही हैं एक्चुअली, कि अभी जो इकोनॉमी की स्थिति थी वो तो बहुत ख़राब थी, है ना, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। इनका मानना है कि मॉनसून में अभी जैसे इतना बारिश वगैरह हुआ, तो जब जिस समय में बारिश हो रहा था उस समय में तो प्रॉब्लम थी, काफ़ी एंग्जाइटी था और हर तरफ कोहराम मच गया था, लेकिन उसका इम्पैक्ट अब देखने के लिए मिल रहा है। जो ग्रोथ है वो जाहिर तौर पर 6-7% प्लस तो नहीं पहुँच सकता है, क्योंकि IMF का भी डाटा हमने पता किया हुआ है, IMF के अकॉर्डिंगली भी हम 5% से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं अभी अपने ग्रोथ रेट पर। लेकिन हाँ, सिचुएशन जो है वो अभी नॉर्मल हो रहा है, धीरे धीरे सेक्टर्स में रिफॉर्म आ रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। तो ऐसे में गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स होने चाहिए, गवर्नमेंट को स्टिमुलस पर फोकस करना चाहिए, और इनको जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे बढ़ाएं, वो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की तरफ कैसे रुख करें, उस बात पर इनको ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया उस चीज़ को यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। इनका मानना है कि खरीफ में, मतलब एज पर द डाटा, ये बोल रहे हैं कि खरीफ ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो अभी बढ़ा है 6.4% हायर देन द प्रीवियस 5-year एवरेज। तो 5 साल के एवरेज में अभी खरीफ का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है 6.4%। उसके बाद एक और अच्छी बात है, वो ये कि डिलेड मानसून की वजह से उस जो सेकेंड क्वार्टर है उस समय तो दिक्कत आ गई थी, लेकिन अभी फूड ग्रेन काफ़ी सरप्लस में है। ऑब्वियसली हमने एक दिन डिस्कस किया था कि FCI के पास अच्छा खासा फूड स्टॉक है, और उसमें कुछ आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि उनको और परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी जो रीसेंट अनाउंसमेंट है गवर्नमेंट का, पब्लिक ऑपरेशंस जो इस ग्रेन के लिए चला रही है सरकार, वो नुकसानदेह हो सकता है। एक तरफ जहाँ हमारे पास सरप्लस है फूड ग्रेन का, खरीफ प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है, रवि प्रोडक्शन के भी अच्छे होने की संभावना है, ये कह रहे हैं कि इट विल रिकवर्ड एंड इज़ नाउ 8%, तो वो चीज़ जो अच्छी हो सकती है, लेकिन अभी वो सरकार के कुछ नियम की वजह से उसका पूरा फ़ायदा फार्मर्स को नहीं मिल पाएगा, और इनकी पॉलिसीज़ को यहाँ पर बदलने की ज़रूरत है। अभी एडवाइस दे रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर को, ऑब्वियसली नॉर्थ ब्लॉक में ये एडवाइस दे रहे हैं कि प्लीज़ डोंट कूल डाउन द स्टिमुलस एंड स्टार्ट गेटिंग बैक ऑन द रिफॉर्म टू कीप इकोनॉमिक गोइंग। इनका मानना है कि जो खर्चे हैं आपको उसको कम नहीं करना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने यहाँ पर ग्रॉस सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर फोकस नहीं करते हैं, अगर ये दो चीज़ ग्रॉस सेविंग और इन्वेस्टमेंट फेल होता है, तो ओवरऑल आपकी जो इकोनॉमी है रिवाइव नहीं कर पाएगी। इसीलिए
आपको अपने अनाउंसमेंट में या आपको जो भी आप नए कानून को लेकर के आते हैं, पॉलिसीज को लेकर के आते हैं, उसमें इन दो बातों पर बहुत ध्यान रखना होगा कि आपके यहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़े और ग्रॉस सेविंग कंटिन्यू हो, ताकि जो हमारा वर्चुअस ग्रोथ साइकिल है वो फिर से शुरू हो जाए। तो यही कहा गया इस आर्टिकल में, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था। हालांकि आइए देखते हैं इस न्यूज़ को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर ये केस स्टडी में आपके काम आ सकता है। फर्स्ट टाइम अभी जो जब से ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है, CAA लाया गया है, तब से फर्स्ट टाइम एक्शंस देखने को मिला। एक्शन क्या था? ये एक पैनिक अराइज हुआ कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। और वहाँ पर कुछ लड़कियाँ जो कि काम कर रही थी एक प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम का नाम है इंटरनेट साथी प्रोग्राम, ठीक है। और ये इंटरनेट साथी प्रोग्राम जो है वो 2015 में शुरू किया गया था गूगल के द्वारा, गूगल का पार्टनरशिप था टाटा ट्रस्ट के द्वारा, और 2015 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, उसका नाम था इंटरनेट साथी प्रोग्राम। इसमें महज 1200 रुपये लड़कियों को मिलते हैं काम करने के लिए, मतलब यंग लेडी हैं, और ये उस जगह पर काम कर रही हैं। और ये क्या काम करती हैं? इनका काम है लोगों को इंटरनेट का अवेयरनेस पहुंचाना, कि जैसे गांव में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हाउ टू ऑपरेट, और अब सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं, तो इनका काम था लोगों को बताना कि इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, क्या इसके पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव हैं। तो बस इनका इतना ही काम था। लेकिन पैनिक ये अराइज हुआ वहाँ पर कि कुछ लोगों को ये संदेह हुआ कि ये जो गर्ल हैं या वुमन, यंग वुमन है, ये कुछ डाटा इकट्ठा कर रहे हैं NRC से जुड़ा हुआ। और उसके बाद उन्होंने एकदम तोड़फोड़ मचाया, उनके घरों को जला वला दिया। तो ये सारे एक्शंस अभी वहाँ वेस्ट बंगाल के इस दिल्ली जामिया मिलिया का पता चल गया होगा, फ्रंट पेज पर ही न्यूज़ है कि एक ऐसे सरफरे ने आकर के गोली से फायर कर दिया जहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ऐसे केसेस एक के बाद एक आते जा रहे हैं। और अब अगला न्यूज़ देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहाड़ीज़ टू गेट 4% कोटा इन जॉब एडमिशन इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस। जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा हुआ न्यूज़ है। प्रिलिम्स का पहला सवाल, पहाड़ीज़ जो है लैंग्वेज, ये बोलने वाले लोग कहाँ से एसोसिएटेड हैं, या इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल एसोसिएटेड विद। तो याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं जो अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, और वहाँ पर रहने वाले इन लोगों को एक बदलाव ला करके जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन रूल 2005 में बदलाव किया गया है, और उसको उसकी पॉलिसीज़ को रेशनलाइज करते हुए 9.6 लाख पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। इनके पास पहले भी रिजर्वेशन था, लेकिन अभी इनको रिजर्वेशन बढ़ाया गया है, और इनको सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में रखा जाएगा। उसके तहत इनको 4% कोटा दिया गया है। फॉर क्लेमिंग द बेनिफिट अ पर्सन मस्ट बी अ मेंबर ऑफ पहाड़ी। तो अब देखिए, जिनको की बेनिफिट चाहिए उनका क्या, उनके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो वो पहाड़ी के मेंबर होने चाहिए, कम्युनिटी से बिलोंग होने चाहिए, और ट्राइब हैविंग डिस्टिंक्ट कल्चर, एथनिक एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। उनका अपना जो आइडेंटिटी है, जो उनकी उनका कल्चर है, एथनिसिटी है, वो चीज़ें उनके साथ होनी चाहिए। वो पहाड़ी लैंग्वेज बोलने चाहिए, एंड पहाड़ी मस्ट बी हिज मदर टंग। पहाड़ी उनका मदर टंग होना चाहिए। तो ये लैंग्वेज अभी बहुत न्यूज़ में है, अभी याद रखेगा इसको। इसके अलावा उनके पास आधार कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी उनको ये बेनिफिट 4% कोटा जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज़ देखते हैं, ये एक्सप्लेन पेज पर है। वाई वायरस कुड हिट इंडियन फार्मा इंडस्ट्री। देखिए, चाइना से बहुत ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्री में इंपोर्ट होता है इंडिया में, ठीक है। उसका आप अगर डाटा देखना चाहें तो ये देखिए, यहाँ पर 2014-15 से लेकर के 18-19 का डाटा आपको दिख रहा है कि किस तरीके से ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको पता है नोवल कोरोना वायरस अभी न्यूज़ में है, और इन्फेक्शन बहुत तगड़ा फैला हुआ है चाइना में। आधी न्यूज़पेपर में आपने इसका ही न्यूज़ देखा होगा, वुहान जो जगह है वहाँ पर भारतीय भी कुछ छात्र पढ़ते हैं, और उनको कैसे वहाँ से लाना है उसके लिए एम्बेसी में भी बातचीत चल रही है। वहीं ये भी कहा गया है कि केरला के जो 4-5 स्टूडेंट हैं उनमें ये वायरस के इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो अभी इंडिया भी काफ़ी वल्नरेबल जोन में है, इसके अलावा और भी कंट्री, रशिया वगैरह भी वल्नरेबल जोन में है जहाँ तक ये वायरस के पहुँचने की संभावना है।
तो वहीं दूसरी तरफ हम फार्मा इंडस्ट्री की बात करें कि फार्मा इंडस्ट्री कैसे कैसे इम्पैक्ट होती है इस वायरस की वजह से. इंडिया इज वल्नरेबल ऑल्सो बिकॉज इट इज हैविंग द डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर कॉम्पोनेंट्स यूज टू मेक द प्रोडक्ट अक्रॉस द इंडस्ट्री. ये जो मेडिसिन एसेंशियल मेडिसिन बनाए जाते हैं, इस पर बहुत डिटेल डिस्कशन भी एक दिन आया हुआ था कि एसेंशियल मेडिसिन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो इंडिया में चाइना से इम्पोर्ट किया जाता है. ठीक है, इट्स इम्पोर्ट फ्रॉम काफ़ी अभी बढ़ गया है अगर देखें तो. 17-18 का यहाँ पर डाटा भी दिया हुआ है. फिर फार्मा सेक्टर की को यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा, बल्क ड्रग यूज टू मैन्युफैक्चर मेडिसिन वर अमंग टॉप 10 इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना. 15 से 2019 के बीच में इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किया गया है जो ड्रग्स बनाने के जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको चाइना से मंगाया जाता है. तो इस वायरस की वजह से इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा और उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर्स पर होने वाला है, क्योंकि अगर ये जो ड्रग हैं, दवाइयाँ हैं, उनके दाम बढ़ जाएंगे तो जो कंज्यूमर्स हैं उनको मेडिसिन काफ़ी महंगी मिलेंगी या मेडिसिन नहीं मिल पाएंगी, तो ये प्रॉब्लम्स अभी हो सकता है लोगों को. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच, कीप स्टारिंग. ये कॉन्टैक्ट नंबर है, बाकी डिटेल्स